जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम ईशा सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सीजर 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम यहाँ पे बहुत ही प्यार से जीएस पढ़ रहे हैं डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पे हम पूरा का पूरा जीएस टीयर 2 को मद्देनजर रखते हुए पढ़ने वाले हैं। बस आपको वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहना है, और जो बच्चा हमारे जो आने वाले 10 वीडियोस रहेंगे उस पर जो बच्चा हर रोज कमेंट करेगा उसको मैं पर्सनली मैं गाइड करूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने 4 बार एसएससी का कोई ना कोई एग्जाम निकाला, मतलब 2 बार एसएससी एचएसएल, 2 बार एसएससी जीएल, और जीएस में मैंने हमेशा बहुत अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। तो मैं पर्सनली गाइडेंस दूंगा उस बच्चे को। यदि ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो उनमें से मतलब 2-3 बच्चों को हम गाइड कर देंगे, फिर वो थोड़ा लॉटरी बेसिस पे उसको करेंगे, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो चलो फिर, अभी जैसे कि मेटल हमने पार्ट खत्म किया था, आज हम नॉन मेटल पढ़ने वाले। मेटल्स में हमने कैल्शियम, पोटेशियम, बहुत जो जो इम्पोर्टेंट है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जितने ज़्यादा जितने सब इम्पोर्टेंट सारे मेटल कर लिए, उससे ही क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। आज अभी हम नॉन मेटल पढ़ने वाले हैं। नॉन मेटल में अभी हम हाइड्रोजन, आज हम हाइड्रोजन पढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन में कितना कंटेंट है अपने पास, ठीक है, और इसी में से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, ये तो आपने पढ़ा है ना, हेनरी कैविंडिश। हमने जो एसिड बेस सॉल्ट का जो फर्स्ट अपना लेक्चर था ना, वहीं पे मैंने बताया था आपको ये हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैविंडिश, और आपको पता भी होगा, पूरा याद भी होगा, और हाइड्रोजन नाम लवाइजर ने दिया था, ये भी वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता है कि हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैविंडिश ने दी, हाइड्रोजन का नाम जो दिया था वो लवाइजर ने दिया था, ठीक है। और ये जो होता है ना, यस ब्लॉक में होता है हाइड्रोजन, यस ब्लॉक में होता है, ग्रुप 1 में होता है। अभी यस ब्लॉक क्या है क्या नहीं है, ठीक है, ये हम पीरियड टेबल में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे इतना याद रख लो कि यस ब्लॉक और ग्रुप 1 में हाइड्रोजन होता है। पीरियड टेबल में हम इसको बहुत प्यार से डिटेल में पढ़ने वाले। ये चीज़ याद रखना है आपको कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि देखो, ये हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट है ना वो होता है न्यूक्लियस, और ये ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है ना, उसके पास क्या है, ओनली 1 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन 0 है, यानी कुछ भी न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन के पास, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है उसके पास कोई भी प्रोटॉन नहीं होता है नॉर्मल, ठीक है। जो आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, उसके पास न्यूट्रॉन रहता है, बट जो नॉर्मली हम कहते हैं भाई, हम हाइड्रोजन यदि देख रहे हैं तो हम नॉर्मली इस हाइड्रोजन की बात करते हैं जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और जिसके पास एक प्रोटॉन है और जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 1 हो गया। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन और में, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है, इसलिए एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 1+0=1, यानी एटॉमिक मास 1 है, एटॉमिक वेट भी 1 है, ठीक है। ये बातें आप लोग को सब समझ में आ गई। और हाइड्रोजन को निकल आवार तत्व कहते हैं। आवार तत्व क्यों कहते पता है, या नोटोरियस एलिमेंट कहते हैं हाइड्रोजन को, क्यों कहते पता है, इंग्लिश में नोटोरियस एलिमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तो फर्स्ट ग्रुप में, इसको पीरियड टेबल में जब हम उसको रखते हैं तो बहुत कंफ्यूजन है साइंटिस्ट लोगों को कि यार इसको ग्रुप 1 में रखा जाए या ग्रुप 17 में रखा जाए। अब ग्रुप 1 क्या होता है, ग्रुप 17 क्या होता है, पीरियड टेबल का पार्ट है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है साइंटिस्ट लोगों को। कभी कभी उसको ग्रुप 1 में डाल देते, कभी कभी ग्रुप 17 में डाल देते, इसीलिए इसको नोटोरियस एलिमेंट या आवारा तत्व कहा जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि भैया सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पूरे यूनिवर्स में, तो वो तो हाइड्रोजन होता है। क्योंकि यूनिवर्स की यदि हम बात करें तो हम स्टार्स की बात कर रहे हैं, हमने क्या सन्स की बात कर रहे हैं ना, तो सन यानी स्टार के पास बहुत ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम रहता है, तो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट यदि पूछा जाए यूनिवर्स में, तो आपका आंसर रहेगा हाइड्रोजन। और और ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि भैया एसिड में कौन सा एक एलिमेंट होता है जो कंपलसरी होता है, कंपलसरी एलिमेंट। हमने तो एसिड बेस सॉल्ट बहुत अच्छे से पढ़ के रखा है, तो वहाँ पे हमने देखा था सारे एसिड, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें भी H है, HNO3 नाइट्रिक एसिड उसमें भी देखो H है ना, कोई भी आप एसिड ले लो ना, CH3COOH है ना, देखो ये भी एसिड तो इसमें भी H है, तो हर एक एसिड में हाइड्रोजन आपको कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को ही क्या कहते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना, हाइड्रोजन के ही न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस भी कहते हैं, क्योंकि उसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। देखो हाइड्रोजन ऐसा एक ही एलिमेंट है पूरी दुनिया में कि जिसका न्यूट्रॉन 0 होता है, उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस है ना, मैंने बताया आपको, इसमें ओनली प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस। भैया न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं नॉर्मली सारे एलिमेंट में, बट इसके पास तो ओनली प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, इसलिए इसको न्यूक्लियस को क्या बोलते थे, प्रोटॉन न्यूक्लियस कह देते, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, न्यूट्रॉन जीरो होता है उसके बाद। और हाइड्रोजन को ही क्या कहते हैं, फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है, यानी भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किसको? हाइड्रोजन को। क्यों कहते हैं? देखो, इसका कैलोरीफिक वैल्यू नहीं का बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम यदि हमने क्या हाइड्रोजन को यदि जलाते हैं ना, तो बहुत कम पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन ना के बराबर होता है, और बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करता है। तो हमें तो ऐसे ही फ्यूल की ज़रूरत है ना फ्यूचर में भैया, जिससे पोल्यूशन कम हो, क्योंकि पोल्यूशन तो बहुत बढ़ रहा है, हमें पोल्यूशन कम करना है। और ऐसे फ्यूल से भैया ज़्यादा एनर्जी मिले, ज़्यादा मतलब उसका टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा मिले, मतलब हमें एनर्जी ज़्यादा मिले, ऐसा फ्यूल की तो ज़रूरत रहने वाली है हमको। तो इसीलिए हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, बहुत आसान है। देन लाइटेस्ट एलिमेंट, ठीक है, यदि पूछा जाए आपको कि भैया लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है पीरियड टेबल का, तो इसलिए लाइटेस्ट हो जाता है, तो ये हाइड्रोजन है। और यदि पूछा जाए कि भैया लाइटेस्ट गैस कौन सा है, तब भी आपका आंसर हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, बहुत आसानी से हमने इतना ये आज ये फर्स्ट पेज कर लिया, ये तो चीज़ें आपको पता है। देन 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं होता हाइड्रोजन के पास। ये एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 1 है, हाइड्रोजन को आवर्त तत्व नोटोरियस एलिमेंट कहा जाता है, ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट यूनिवर्स में है। देन इज कंपल्सरी एलिमेंट होता है एसिड में, ठीक है। हाइड्रोजन को न्यूक्लियस को क्या, प्रोटॉन न्यूक्लियस कहा जाता है। देन उसके बाद 0 न्यूट्रॉन होती है, तो पता है आपको, इसको फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। और ये लाइटेस्ट एलिमेंट और लाइटेस्ट या लाइट और लाइटेस्ट गैस दोनों है, कौन सा, हाइड्रोजन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यानी समस्थानिक। एक्चुअली आइसोटोप्स क्या होते हैं भैया, ऐसा एलिमेंट जैसे अभी आगे देखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स से इनका एटॉमिक नंबर सेम है 111, और एटॉमिक मास डिफरेंट है। जैसे कि देखो, इसका 1 एटॉमिक मास है, इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका एटॉमिक मास 3 है, ठीक है, इसे आइसोटोप्स कहते हैं। और डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो देखो, आइसोटोप ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और उसका एटॉमिक मास डिफरेंट है, उसे आइसोटोप्स कहा जाता है। एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जैसे कि मैंने ऑलरेडी आज के लेक्चर में बताया आपको, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एट दिस मोमेंट बस इतना याद रखो कि एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ऐसा मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है, ये आइसोटोप का भी डेफिनेशन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है, उस वैसे एलिमेंट को क्या बोला जाता है, आइसोटोप्स कहा जाता है। क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, एटॉमिक मास यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, वो अलग बात है। जो हम नॉर्मली हाइड्रोजन बोलते हैं उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, नॉर्मली जो हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। जब हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन बोलेंगे ना, तो उसमें 2 जो आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन में, उनमें न्यूट्रॉन होता है। देखो यहाँ पे दिखेगा आपको जो हम पढ़ने वाले, ठीक है, टेंशन मत लो, ये देखो यहाँ पे है ना न्यूट्रॉन। बट जो नॉर्मली हम बोलते हैं ना, ये हाइड्रोजन की हम बात करते रहते हैं जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है। चलो, द एटॉमिक मास क्या होता है ये भी आपको पता चल गया, एटॉमिक नंबर क्या है ये भी आपको पता चला, ठीक है। अभी हम आइसोटोप्स देखते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। अभी आपको और आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स का ये जो मैंने डेफिनेशन बोला है ना आपको, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी जब हम आइसोटोप्स देखेंगे हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के 2-3 आइसोटोप्स, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्रिटियम। कौन से, या नाम याद रखना है आपको, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स कौन कौन से, फर्स्ट है भैया प्रोटियम, सेकेंड है ड्यूटेरियम और थर्ड है ट्रिटियम। कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ऐसे मैं रिवीजन कर करके पढ़ाता हूँ क्योंकि याद रह जाए। प्रोटियम, प्रोटियम यानी क्या होता है, देखो 1H1 को प्रोटियम कहते हैं। 1H1 यानी उसका इधर क्या होता है, ये नीचे पैर के नीचे इधर होता है एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और अपने सिर के ऊपर उस एलिमेंट का सिंबल, ठीक है, एलिमेंट के सिंबल के पैर के नीचे इधर एटॉमिक नंबर होता है और सिंबल के ऊपर एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो 1 क्या है, उसका एटॉमिक नंबर, यानी उसके पास एक ही प्रोटॉन है। देखो यहाँ पे एक ही प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन 1 है, ठीक है, ये प्रोटियम की बात कर रहे हैं हम। और जो ये होता है ना सर के ऊपर की, वो क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये जो प्रोटियम है, प्रोटियम में जो अपना नॉर्मल हाइड्रोजन होता है उसके पास एक ही प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन 0 होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है, इसलिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, इसलिए एटॉमिक मास 1 रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटियम, और एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। अभी सेकेंड जो आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, उसमें क्या होता है, देखो प्रोटॉन तो एक तो रहेगा, यानी इसका एटॉमिक नंबर 1 है ऑफकोर्स, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। और उसका एटॉमिक मास क्या होता है, 2 होता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम के पास प्रोटॉन तो होता है 1, लेकिन उसके पास एक न्यूट्रॉन भी होता है।
ये ड्यूटेरियम जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का ना, उसके पास एक न्यूट्रॉन भी होता है। नॉर्मली जो हम हाइड्रोजन की बात करते हैं उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, लेकिन जो आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम, उसके पास एक न्यूट्रॉन होता है। इसलिए इसका एटॉमिक मास क्या बन जाएगा भैया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1, 1 प्लस 1 2, यानी एटॉमिक मास 2 हो गया। ठीक है, इसलिए एटॉमिक मास हम सर के ऊपर रखते हैं, इसलिए यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। 1 ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास, तो 1s2 ये क्या हो गया, ये ड्यूटेरियम है। ठीक है, बहुत बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ। देन ट्रिटियम, ये तीसरा आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का। देखो फिर से, प्रोटॉन कितना है ट्रिटियम के पास, 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन 2 है। ड्यूटेरियम देखो है ना, ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम यानी उसका 2 एटॉमिक मास है, ट्रिटियम यानी उसका 3 एटॉमिक मास होता है, इसके हिसाब से इसका नाम दिया होता है। देखो ड्यूटेरियम के पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन था, ट्रिटियम के पास एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है ट्रिटियम के पास। ठीक है, इसीलिए एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी 1 प्लस 2 ठीक है, तो एटॉमिक मास 3 हो गया, एटॉमिक नंबर 1 हो गया। तो ये इस हिसाब से 1s3 ये क्या हो गया, ट्रिटियम होता है। और इलेक्ट्रॉन तो हमेशा 1-1 ही रहेंगे, हर एक हाइड्रोजन का कोई भी आइसोटोप रहे उसके पास एक एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, सबके पास प्रोटॉन एक एक ही रहेगा, बस न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो रहा है, और न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होने की वजह से उनका एटॉमिक मास चेंज हो रहा है, ये एटॉमिक मास चेंज हो रहा है, इसीलिए आइसोटोप्स बन रहे हैं। यानी देखो 1H1, देखो इधर भी एटॉमिक नंबर 1 है, 1s2 में भी एटॉमिक नंबर 1 है, 1s3 में भी एटॉमिक नंबर 1 है, यानी तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। 1h1 का एटॉमिक मास 1 है, 1s2 का एटॉमिक मास 2 है, 1s3 का एटॉमिक मास 3 है, यानी तीनों का एटॉमिक मास अलग है, तो हो गया ना आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का डेफिनेशन क्या है भैया, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और जिनका एटॉमिक मास अलग अलग हो, उसे आइसोटोप्स कहा जाता है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम में तीनों का एटॉमिक नंबर 1-1 है, तीनों का एटॉमिक मास अलग अलग है, प्रोटियम का 1 एटॉमिक मास, ड्यूटेरियम का 2 एटॉमिक मास, ट्रिटियम का 3 एटॉमिक मास, इसीलिए ये सारे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो जाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से आप समझ में आ गया होगा आइसोटोप्स क्या होता है, और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और ये जो ट्रिटियम होता है ना, ये रेडियोएक्टिव होता है। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भैया हाइड्रोजन का ऐसा कौन सा आइसोटोप है वो जो रेडियोएक्टिव है, तो आपका आंसर रहेगा ट्रिटियम। ये याद रखना है आपको। ठीक है, ट्रिटियम जो होता है ना वो रेडियोएक्टिव होता है। हाइड्रोजन का एक में ऐसा आइसोटोप है, एक ही ऐसा आइसोटोप है जो रेडियोएक्टिव है। ठीक है, अभी हम ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम के बारे में हम अभी पढ़ लेंगे। ड्यूटेरियम के बारे में थोड़ा एग्जाम में थोड़ा सा पूछा जाता है। देखो ड्यूटेरियम है ना 1s2, इससे निकल हेवी वाटर बनता है। ठीक है, अभी हेवी वाटर कैसे बनता है, क्या बनता है वो देखेंगे हम आगे, बट ड्यूटेरियम से ही हेवी वाटर बनता है। आपने कभी ना कभी केमिस्ट्री में सुना होगा कि हेवी वाटर के बारे में सुना होगा, तो ये ड्यूटेरियम यूज किया जाता है हेवी वाटर बनाने के लिए। ठीक है, जब 1H1 को ऑक्सीजन, वायु यानी एयर, ठीक है, जब 1H1 जो है ना, 1H1 यानी नॉर्मल हाइड्रोजन, जो कि ये हाइड्रोजन, ठीक है, नॉर्मल हाइड्रोजन, इसको वायु यानी एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, जब 1H1 और ऑक्सीजन को से, मतलब ऑक्सीजन क्या करता है, एक्चुअली जलाता है। ठीक है, इसलिए यदि 1H1 को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो नॉर्मल वाटर बनता है। ठीक है, नॉर्मल वाटर बनता है, यानी देखो सिंपल सी बात मैं यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं लिख के बताता हूँ। ठीक है, 1H1, एक मिनट, थोड़ा और क्लैरिटी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। 1H1, ठीक है, प्लस यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाए ना, तो H2O बनता है। ठीक है, अभी इसको इसको मैंने अभी इक्वेशन के हिसाब से उसको बैलेंस वगैरह नहीं किया, बस इतना याद रखो कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यदि रिएक्ट हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन यानी एयर में ऑक्सीजन होती है, तो यानी और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जाए ना, तो पानी बनता है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ किसी भी चीज़ की रिएक्शन करते हैं, यानी ऑक्सीजन उस चीज़ को जलाता है, यानी वो हाइड्रोजन को जला रहा है। ठीक है, तो पानी बनता है। ठीक है, ये याद रखना, ये नॉर्मल वाटर है। ठीक है, लेकिन जब 1H2 क्या है, ड्यूटेरियम, आपको पता है ना, जब 1H2 ऑक्सीजन में वायु में जलेगा, यानी 1H2 और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन हो जाएगा, तब हेवी वाटर बनता है। हेवी वाटर यानी DTO। ठीक है, DTO क्यों भैया, नॉर्मल वाटर को हम क्या लिखते हैं, नॉर्मल वाटर को हम क्या लिखते हैं, H2O लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे नॉर्मल वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन ड्यूटेरियम क्या है, डी है ना, अरे डी, इसलिए जब ये ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, D2O बनाएगा। ठीक है ना, यही तो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा है, कोई डरने वाली बात थोड़ी ना है। तो इसीलिए ये जो ड्यूटेरियम होता है, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो बनता है, जैसे ये हाइड्रोजन ऑक्साइड है, वैसे ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है ड्यूटेरियम ऑक्साइड,
ठीक है। तो 1H2 यानी ड्यूटेरियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब हेवी वाटर बनेगा। हेवी वाटर का फॉर्मूला DTO होता है, इसी को ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहेंगे या हेवी वाटर कहेंगे, ठीक है। तो DTO क्या होता है, हेवी वाटर भी इसको आप कह सकते हैं या उसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना बताया भैया कि जब ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हेवी वाटर बनाएगा, ठीक है। और हेवी वाटर का ही फॉर्मूला DTO होता है और हेवी वाटर को ही ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको हेवी वाटर क्या होता है ये आपको अभी समझ में आ गया। नॉर्मल वाटर जो होता है ना, नॉर्मल वाटर के 5000 से लेके 6000 मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल D2 का होता है। यदि मतलब नॉर्मल वाटर आपने ले लिया उसके 5000 से लेके 10000 मॉलिक्यूल्स, इतने बड़े मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल मिलेगा आपका D2 का, यानी इतना DTO कम होता है, ठीक है। इतना मतलब 5000 से लेके 10000 मॉलिक्यूल हम वाटर के लेंगे उसमें से एक ही मॉलिक्यूल आपका DTO का मिलता है, इतना कम होता है D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी हेवी वाटर, कम होता है मात्रा में, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा बॉम्बे के ये ट्रॉम्बे नाम का एरिया है, ठीक है, वहाँ पे DTO बनाया जाता है, ठीक है। मतलब रखना है या तो रख लो कि बॉम्बे में ट्रॉम्बे जगह है कि वहाँ पे फैक्ट्री है, वहाँ पे DTO बनाया जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी DTO का खोज किसने किया था, यूरी ने किया था। जैसे हाइड्रोजन का खोज कैविंडिश ने किया था वैसे ही D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी हेवी वाटर का खोज किसने किया था, यूरी ने किया था। यूरी ने किया था ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी हेवी वाटर का खोज किसने, यूरी ने किया था, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट D2O का नॉर्मल वाटर से ज़्यादा होता है। नॉर्मल वाटर यानी कौन सा भैया, H2O ये क्या है, नॉर्मल वाटर है, ठीक है। H2O यानी ये नॉर्मल वाटर है और ये D2O का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना वो नॉर्मल वाटर से ज़्यादा होता है। अभी कैसे होता है क्या होता है ये तो बहुत डिटेल में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। देखो H2O का एटॉमिक मॉलिक्यूलर जो वेट होता है ना वो कितना होता है, 16 होता है, कैसे, ठीक है। H2O का 16 नहीं रहेगा, ये एक्चुअली 18 रहेगा, ठीक है, 18 है, ये आप करेक्शन कर लेना, 18 रहेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना रहता है, 16 है ना प्लस, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, समझ में आ गया था, इट्स ओके, नहीं समझ में आ गया था नो प्रॉब्लम, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भैया, 16 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1 क्यों होता है, देखो ना यहाँ पे हमने एटॉमिक मास पढ़ा था ना, देखो हाइड्रोजन यानी ये नॉर्मल है, इसका एटॉमिक मास कितना है, 1 है ना, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। हाँ, तो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी दो, 1 × 2 दो ना, एक का एटॉमिक मास 1 है तो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास 2 हो जाएगा, तो 16 + 2 यानी ये हो गया आपका 18, समझ में आ गया। ये 18 यहाँ पे कैसे आया, ऑक्सीजन का 16 और ये हाइड्रोजन का 2, तो 18 आ गया, ठीक है। अभी 18 का आपको तो समझ में आ गया भैया, 18 कैसे आ गया। अब ये DTO का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, 20 होता है, कैसे, देखो ऑक्सीजन का तो 16 है ही भाई, ऑक्सीजन का तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम आ गया ना, और ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास कितना है, ये ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास कितना है, 2, एक ड्यूटेरियम का कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लेकिन 2 ड्यूटेरियम है ना, तो 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 2 × 2 हो जाएगा ना, तो 16 + 4 यानी 20, इसीलिए जो हेवी वाटर है यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है ना उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है ना वो कितना बन जाता है, 20 बन जाता है, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, बस आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में मॉलिक्यूलर वेट हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कैसे निकालना क्या निकालना होता है, बट आपको अभी यहाँ पे तो समझ में आ गया होगा कि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है और जो D2O होता है यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, हेवी वाटर होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 20 होता है, ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट, जो हेवी वाटर होता है यानी D2O होता है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल वाटर से ज़्यादा होता है, ठीक है। उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा है नॉर्मल वाटर से, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है नॉर्मल वाटर से। जैसे कि आपको पता है वाटर है, ठीक है, वाटर है अपना जो नॉर्मल घर में जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, यानी वो लिक्विड से गैस स्टेट में 100 डिग्री
सेल्सियस पे चल जाता है, लेकिन जो हेवी वाटर होता है यानी जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 101 डिग्री होता है, यानी एक डिग्री ज़्यादा होता है, 100 से एक डिग्री ज़्यादा होता है हेवी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और जैसे कि वाटर है उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाना वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको पता है, ठीक है। वैसे ही D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी हेवी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो 3.8 डिग्री, ठीक है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों भी कैसे है, ज़्यादा है नॉर्मल वाटर से। नॉर्मल वाटर का यदि बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो इसका एक से ज़्यादा है हेवी वाटर का ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। मेल्टिंग पॉइंट यदि 0 डिग्री सेल्सियस है वाटर का, नॉर्मल वाटर का, तो D2O का जो है मेल्टिंग पॉइंट वो कितना आ रहा है, 3.8 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो ज़्यादा है, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अभी यूज़ क्या होता है, जो हेवी वाटर है उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना उसमें एज अ मॉडरेटर हिंदी में यानी मंदक, यानी यही मैंने हिंदी में यहाँ पे लिखा है कि परमाणु भट्टी, न्यूक्लियर रिएक्टर को परमाणु भट्टी कहा जाता है हिंदी में, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में काम लिया जाता है, किसका, हेवी वाटर का, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको पता है ना, तो वो वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत फास्ट होती रहती है, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई तो भाई अब ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन उसको हमें कंट्रोल में, वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन करानी होती है तो उसको कंट्रोल में रखने का काम हेवी वाटर का होता है। तो हेवी वाटर एज अ मॉडरेटर यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये आपको याद रखना है। कैसे करता है, क्या करता है, ये रेडियो एक्टिव चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो हेवी वाटर होता है यानी जो D2O होता है यानी जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है वो एज अ मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर में उसका यूज होता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मान लो कि भैया हाइड्रोजन कलरलेस है ना, आपके आजू बाजू में हाइड्रोजन गैस हो सकती है लेकिन आप उसको देख नहीं सकते क्योंकि वो क्या है, कलरलेस है यानी रंगहीन है हिंदी में, वो ऑर्डरलेस है, उसका स्मेल भी नहीं आता, गंधकहीन है यानी उसका स्मेल नहीं आता, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, आप टेस्ट भी नहीं कर सकते वो हाइड्रोजन का, स्वादहीन है और वो लाइटेस्ट है। लाइटेस्ट तो आपको पता है, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है कि भैया हाइड्रोजन ये लाइटेस्ट एलिमेंट है या लाइटेस्ट गैस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आ गई होगी, कुछ नहीं इसमें, बस आपको देख लेना, बहुत आसान है ये चीज़ें कि भैया कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और लाइटेस्ट है, ठीक है। जो और न्यूट्रल भी है, न्यूट्रल यानी उसका लिटमस पेपर में यदि आपने हाइड्रोजन ले लिया मान लो एक ग्लास में, ठीक है, उसमें लिटमस पेपर डाल दो, कुछ नहीं होगा, मतलब वो एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, ठीक है, कुछ लिटमस पेपर में उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता। आपको पता है ना, लिटमस पेपर डाला तो एसिडिक यदि नेचर का होगा तो लिटमस पेपर रेड हो जाता है, बेसिक होता है तो वो पिंक वगैरह, तो जो भी है वो जाता ही आपको, मैंने एसिड में सॉल्ट में अच्छे से पढ़ के रखा है, वही चीज़ें मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये चीज़ें आपको पता है। अभी हम नेसेंट हाइड्रोजन यानी नवजात हाइड्रोजन के बारे में हम बात करें। भैया नेसेंट हाइड्रोजन या नवजात हाइड्रोजन क्या है, उसके नाम से ही पता चल रहा है, नेसेंट एंड नवजात से ही उसके नाम से पता चल रहा है, किसी भी रिएक्शन में तुरंत बना हुआ हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन कहलाता है। यानी कोई रिएक्शन होगी, जैसे मान लो ए और एग्जांपल या ए और बी का रिएक्शन होगा और सी प्लस हाइड्रोजन बन गया, मान लो ठीक है ये ऐसा रिएक्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं, दो एलिमेंट है, दो जो है दो कंपाउंड है जो भी है उन दोनों ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर दिया और सी बनाया और सबसे इंपॉर्टेंट भैया हाइड्रोजन बन गया। जैसे ही नया नया हाइड्रोजन बनता है ना उसको, उस हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है, उसी हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, जो अभी तुरंत बना हुआ है, यानी अभी उसका जन्म हुआ है, नवजात है वो, ठीक है, उसको नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। देन अभी ठीक है, देन एक मिनट, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन नॉर्मल हाइड्रोजन। यदि जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है यानी जो अभी जन्म है, जो अभी उसने जन्म लिया है, वो हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव होता है नॉर्मल हाइड्रोजन से, यानी जो हाइड्रोजन बहुत पहले बना हुआ है ना उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा, ये नेसेंट हाइड्रोजन या नवजात हाइड्रोजन, ये आपको याद रखना है, कुछ उसमें है ना, बहुत आसान चीज़ें है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये एक्चुअली मेटल नॉन मेटल चैप्टर है ही ऐसा, उसमें समझने से ज़्यादा चीज़ें याद रखने वाली है, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भैया जो नेसेंट हाइड्रोजन है क्या वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है नॉर्मल हाइड्रोजन से, तो भैया हाँ, ऐसे आपको चीज़ें बस याद रखनी है, ठीक है। अभी हाइड्रोजन गैस ये तो है ना, लाइटेस्ट गैस ये तो मैंने पढ़ा के रखा है, सबसे हल्की गैस होती है और ये बेस्ट फ्यूल है, ठीक है, बेस्ट फ्यूल क्यों, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा, यानी बहुत कम पोल्यूशन करेगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करेगा, इसलिए बेस्ट फ्यूल है। और ये पोल्यूशन फ्री फ्यूल है, मैंने ऑलरेडी बताया, ये फ्यूचर फ्यूल है इसलिए इसको फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है, ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया। और इसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, ये भी मैंने बता दिया। तो हाइड्रोजन गैस की ये चीज़ें भी आपको पता है, ठीक है। अभी हम कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन देख लेंगे, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन यानी पहला कौन सा रहेगा भैया, वाटर रहेगा, है ना, वाटर तो आप लोग सभी लोगों को पता है, H2 जो हम रोज पीते हैं ये हाइड्रोजन का ही बना होता है, ठीक है, वाटर। तो ये क्या है, वो पहली बात
वाटर जो है ये आपका ये कौन सा, ये एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। एम्फोटेरिक क्या मॉलिक्यूल, मैंने ऑलरेडी आपको एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ाया है ना, जो कि एसिडिक बेसिक दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शो करे उसे हम एम्फोटेरिक कहते हैं। तो वाटर एम्फोटेरिक है, और मैंने एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ाया भी था कि वाटर कैसे एम्फोटेरिक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। देन वो तीन स्टेट में पाया जाता है, ये तो चीज़ें आपको पता है ना। सॉलिड स्टेट में आइस होता है, जो बर्फ का गोला है, बर्फ जो है आपका वो क्या है, वो वाटर ही तो है, वो सॉलिड स्टेट में है। गैस स्टेट में कैसे रहेगा, वेपर है ना, जो अपना क्लाउड्स में चला जाता है वो वेपर है ना। या पानी गर्म करे तो जो वेपर निकल रहे बाहर देखते हो ना आप, वो कौन से स्टेट में होता है, पानी गैस स्टेट में होता है और लिक्विड स्टेट में। तो पानी है ही जो हम पीते हैं, तो ये तीनों स्टेट में कैसा होता है, स्टेबल होता है, स्थायी होता है, कोई उसको टेंशन नहीं होती है, ठीक है। तीनों स्टेट में बस टेम्परेचर तुम चेंज कर लो, वो अपना स्टेट चेंज करेगा, लेकिन वो कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होता है। तो तीनों स्टेट में वाटर पाया जाता है, ठीक है। और ये देखा होगा आपने पानी में नहीं कि आइस क्यूब तरंगता है, तैरता है, ठीक है, मराठी शब्द आ गया था मेरे मुंह, ठीक है, तैरता है, कौन सा, पानी के ऊपर आइस क्यूब तैरता है, ठीक है। बिकॉज देखो हम, आपने देखा होगा ना कभी ना कभी कि वो होता है कि आइस का पूरा ऊपर लेयर होता है, ठीक है, आपने कभी ना कभी मूवीज में देखा होगा, ठीक है, आइस का पूरा ऊपर लेयर होता है और नीचे में का पानी होता है, तो उसको मार ये करते उसका उसमें होल करते तो नीचे देखते कि पूरा पानी है। आपने कभी ना कभी मूवी में ये देखा होगा, उससे गाड़ियाँ भी चलाते हैं लोग, समझ रहे हो, आपने देखा होगा ये मूवी में कभी ना कभी। और यदि आप नॉर्मल भी घर पर करोगे, यदि आपने आइस ले लिया, वाटर ले लिया और आइस को उसके डाले ना, तो आइस उस पर तैरता है ना, तैरता है, ये आपने किया होगा, जो लोग पीते हैं ना उनको पता होगा, ठीक है। तो आइस क्यूब क्या होता है, पानी में तैरता है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि जो आइस होता है ना उसका डेंसिटी कम होता है, उसका घनत्व कम होता है, किससे, वाटर से। इसीलिए जो आइस क्यूब होता है ना वो पानी पे तैरता है, ठीक है, वो पानी पे तैरता है, ये आपको याद रखना है कि भैया आइस क्यूब ये पानी पे तैरता है। तो सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि जो आइस क्यूब होता है यानी जो आइस होता है उसका डेंसिटी हमेशा वाटर के डेंसिटी से कम होता है, ठीक है। तो ये देखो आइस है ना, उसका जो डेंसिटी है ना वो कम होता है वाटर की तुलना में, और उसका वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है और वाटर का कम होता है, यानी आइस का वॉल्यूम नॉर्मल वाटर से ज़्यादा रहेगा। देखो आइस का वॉल्यूम क्या है भैया, ज़्यादा है ना, है नॉर्मल वाटर की कंपेरिजन में, नॉर्मल वाटर का आयतन यानी वॉल्यूम कम रहेगा और आइस का वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। इसीलिए जब हम बॉटल में पानी लेते हैं, है ना, और यदि हमने फुल पूरा बॉटल करके पानी ले लिया और उसको हम फ्रिज में रखेंगे तो क्या होता है, वो आइस बन जाता है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए वो बॉटल को क्या करता है, ब्रेक करता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसको तो वॉल्यूम बढ़ गया तो उसको तो फैलना है, बट ये तो बॉटल ने उसको बंद करके रखा है, तो ये क्या करता है, उसके झगड़ के उसको तोड़ देता है, ठीक है, ये आपने देखा होगा, है ना। यदि आपने थोड़ा सा कम पानी भर के भी रखा होगा तो पूरा बॉटल भर के आइस बनता है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि जब वो सॉलिड स्टेट में जाता है यानी जब पानी का जब बर्फ बनता है ना तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। ये चीज़ें है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। पानी एक ही ऐसा तरल पदार्थ है जिसकी ठोस अवस्था में आयतन ज़्यादा हो जाता है, यानी वाटर एक ऐसा फर्स्ट मतलब एक ही ऐसा है, ऐसा एक ही लिक्विड स्टेट में ऐसा कोई ना कोई आपको मटेरियल मिलेगा जो कि पानी है, जो कि जैसे सॉलिड स्टेट में चला जाएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। नॉर्मली क्या होता है, सॉलिड स्टेट में जाने के बाद वॉल्यूम कम हो जाता है, बट वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाता है सॉलिड स्टेट में जाने में। तो वाटर ओनली एंड ओनली वाटर में ऐसा होता है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। देन सेकेंड जो वाटर का मॉलिक्यूल रहेगा वो कौन सा भैया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2, ठीक है। तो ये जो है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह, इसको हम कल के लेक्चर में पढ़ लेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड थोड़ा सा नॉर्मल है, उसको हम कल के लेक्चर में पढ़ लेंगे, फिर हम ऑक्सीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद आई होगी, है ना। इसको आपको करना है रिवीजन, बहुत अच्छे से हमने प्यार से सारी चीज़ें पढ़ ली, बहुत अच्छा अपना कंटेंट है, ये तो आपको याद रखना है, ठीक है। और मेरा व्हाट्सअप नंबर यदि आपको नोट्स चाहिए तो 8668391131 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे मैं फ्री में आपको सारे के सारे नोट्स दे दूंगा, ठीक है। और हमने एक ऐप भी बना के रखा है फ्री में, ठीक है, जो बच्चों को मतलब वहाँ पे आप टेस्ट भी दे सकते हो GS के वगैरह, ठीक है। तो वो ऐप भी चाहिए फ्री में, तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर चलो, फिर थैंक यू सो मच।